ना वांत के अरे चेयर ले ने वन। आज हमने यहाँ पंचायत चन्यास में एक न्यू स्टेशन का आगाज किया। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें पिछले साल कैपेक्स में 7 लाख रुपया दिया था और वो 7 लाख आज ग्राउंड पे नजर आया और उनका हम तहदिल से शुक्रिया करते हैं। ये एक ऐसा मोड़ा था पंचायत चन्यास में वार्ड नंबर 4, इसमें लगभग 25 घर इस ट्रांसफार्मर से आबाद हुए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सरपंच साहब का और साथ में तमाम यहाँ के जीशूर शख्सियत का, जिन्होंने उस वक्त प्लान बनाने में हमें मदद की थी। उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस ठेकेदार को अपने तहवील में लेके अपने ही बंदे डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ लगाए। ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं अख्तर साहब हमारे लाइनमैन अमृतपुरा से, आशिक साहब चालर से, इम्तियाज़ साहब और अब्दुल रशीद राथिर साहब, इन्होंने यहाँ 10-15 दिन बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत के साथ इन्होंने काम किया और तसली बख्श काम हुआ। हम इनके भी बहुत बहुत मशकूर ममनून हैं, फोरमैन साहब का भी, जेई साहब का भी, एई साहब के और साथ में यहाँ के जीशूर शख्सियत का भी। और मैं दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायत चन्यास के अंदर इस स्टेशन लगाने से कमी पूरी नहीं हुई। मैं यहाँ के DDC साहब से एक गुजारिश करूँगा कि अगर मैं एक बहसियते मेंबर हूँ और मेंबरों ने ताउन दिया है, मुझे नायब सरपंच बनाया है और सरपंच साहब ने मेरी मदद की, तो हमने यहाँ इस वार्ड में 7 लाख रुपए खर्च किए। तो ऐसे ही हमारे पास दो और मोड़े बचते हैं, जिसमें अमृतपुरा एक बलाई इलाका है और वहाँ लगभग 175-180 के आसपास घर हैं। उनमें सिर्फ दो ट्रांसफार्मर हैं। वहाँ हमें दो मोड़े ऐसे रहे हैं जहाँ अख्तर साहब से मैंने अभी पूछा था, पत्थर महला में लगभग 30 घर हैं जिनको वहाँ बिजली ना होने के बराबर है। वहाँ भी अगर एक 25 KV ट्रांसफार्मर लगता तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगता तो वहाँ के लोग भी आराम करते। और साथ में वहाँ दूसरा वार्ड नंबर 6 गनी आबाद में भी एक 25 KV ट्रांसफार्मर का होना बहुत ही ज़रूरी, वहाँ भी बिजली हमारे पास नहीं है और साथ में वहाँ पोल भी नहीं है। आज की डेट में वहाँ में घरों ने लकड़ी के पोल लगा के रखे हैं और इनको बार बार तंग करते हैं कि आओ इन पोलों पे हमें तार चढ़ा के दो। अब ये भी मजबूर हैं, लकड़ी के पोलों के ऊपर तार इन्होंने चढ़ानी है, कल को फिर गिर जाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ी मुश्किल है हमारी पंचायत में। और दूसरी बात, यहाँ हमारा एक हदगजी महला खंडारनी महला, तो वहाँ भी हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ यहाँ के पंचायत बाड़ी से भी, पंचायत बाड़ी का पहले ही मशकूर ममनू ने इन्होंने 7 लाख रुपया दिया था यहाँ। अब मैं DDC महराजी मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि आपको इस पंचायत से 650 वोट आए हैं, तो वोट की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों की आवाज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 स्टेशन ऐसे बना के हमें दो। अगर हमने यहाँ मेम्बरों ने मिलकर 7 लाख रुपए खर्च किया, आपकी बहुत बड़ी पोस्ट है, फंड्स भी है, तो आपने 2 स्टेशनों के लिए हमें सिर्फ 14 लाख रुपए देने हैं, तो ताकि हमारी पंचायत चन्यास जो है वो बिजली का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और हमारे लोग भी आराम से लाइट का इस्तेमाल कर सकें। तो मैं एक बार से फिर इन तमाम जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में यहाँ जिस लैंड में ये लगा, तो ये मेरे कज़न है, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। इस वक्त अंधेरा, हम नहीं आपको पूरा दिखा सकते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी खेत दी जहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा, तो इनकी भी हम इंशाल्लाह जहाँ जितना हमसे हो सकता है तो हम इनकी भी मदद करेंगे। लेकिन